हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों, आज इस सेशन में संगठन और संस्थाओं से संबंधित 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप अंत तक बने रहेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो दो सेशन हो चुका है हमारा, यानी दो पार्ट मैं करवा चुका हूं और ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट के साथ ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर से नहीं आएंगे। तो उन दोनों वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर एक की तरफ। प्रश्न नंबर एक है बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। बच्चों, सभी प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ओके, ठीक है बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी, मानवाधिकार संगठन, ठीक है बच्चों। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और 8 से 10 मिनट में 25 प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में की गई थी। 28 मई 1961 को वकील पीटर वेंसन ने द ऑब्जर्वर में लेख द फॉरगेटेड कैदियों के प्रकाशन के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल के ने मानवाधिकारों के दुरुपयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों के अनुपालन के लिए अभियानों का ध्यान आकर्षित किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर टू की तरफ। प्रश्न नंबर टू है बच्चों, शंघाई सहयोग संगठन, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, SCO बोलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन में सम्मिलित हैं कौन कौन से देश सम्मिलित हैं बच्चों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। वर्तमान में इसके भारत और पाकिस्तान भी सदस्य बन चुके हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर थ्री देख लेते हैं, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था। और थर्ड का नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, बेलग्रेड में हुआ था। बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन देशों का एक समूह है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ या उसके खिलाफ जुड़ा नहीं है। वर्ष 2012 तक आंदोलन में 120 सदस्य थे। कितने, 2012 तक 120 सदस्य हैं। और इसके संस्थापक यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्णो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर और घाना के एनक्रूमा थे। सभी पांच नेताओं ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी और पूर्वी खेमों के बीच मध्यस्थता की भूमिका की वकालत भी की थी। चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट की तरफ। फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। और राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर पी, चीन बच्चों आसियान का सदस्य नहीं है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है बच्चों। और इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन है। 8 अगस्त, ठीक है बच्चों, 8 अगस्त 1967 इसकी स्थापना पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और इसके गठन होने के बाद संगठन के सदस्य में बुर्नेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम शामिल हो गए हैं। चलते प्रश्न मनेश की तरफ। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। और सार्क का हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और राष्ट्रों का भू राजनीतिक संघ है। इसके सदस्य राज्यों में अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है बच्चों, और भारत भी है, मालदीव भी है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका भी है, ओके। चलते हैं प्रश्न की तरफ, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। और सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है बच्चों। चलते हैं प्रश्न की तरफ, सार्क का संक्षिप्त रूप है।
और बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के तो चलते हैं बच्चों, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सार का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका में आयोजित हुआ था बच्चों, ठीक है, बांग्लादेश की ढाका में 1985 में आयोजित हुआ था। जी 8 में सम्मिलित नया सदस्य कौन सा है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस बच्चों। जी 8 में जो नया सम्मिलित सदस्य देश है वो है बच्चों आपका रूस। रूस के निलंबन के कारण 2014 से G7 के रूप में एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच 1975 शिखर सम्मेलन के साथ उत्पन्न हुआ था, ठीक है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी UK और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया था। इस प्रकार समूह का नाम समूह 6 या G6 था। कनाडा के बाद 1976 में शिखर सम्मेलन की समूह 7 या G7 के नाम से जाने लगा और उसको 1997 से राजनीतिक मंच से जोड़ा गया था, जिसके बाद अगले वर्ष G8 के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2010 में भारत का क्या रैंक था? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसे भी करंट का मामला है लेकिन फिर भी आप लोग देख लेंगे, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 119। चलते प्रश्न मनीष की तरफ, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं? ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पूर्व मूल रूप से पहले 4 देशों को ब्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन जैसे ही 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया इसे ब्रिक्स कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। और 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है बच्चों। 14 अगस्त 1992 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक प्रमुख राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट की तरफ, भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? किस समूह का सदस्य नहीं है बच्चों, पूछा जा रहा है किस समूह का सदस्य नहीं है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, G8 का सदस्य नहीं है। यहाँ पे है G20, तो G20 का भारत सदस्य है लेकिन G8 का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा स्थापित किया गया था। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है बच्चों, के तहत कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 विश्व के 20 मुख्य अर्थव्यवस्थाओं के सरकारों एवं उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 2013 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी किसने की थी? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका, ठीक है बच्चों। इसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, तो आप इसे चाहे तो याद नहीं रख सकते, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नेक्स्ट की तरफ, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बानिया जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है बच्चों। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसेडोनिया, ठीक है बच्चों। कौन सा है? मैसेडोनिया जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में है बच्चों। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी टॉपिक पे मिलेगा, आप लोग की जो डिमांड होगी उस पर वीडियो बनाया जाएगा। वैसे नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो खेल से संबंधित होगा, खेल से संबंधित प्रश्नों पर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाद थोड़ा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह श्रमिक समस्याओं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, सामाजिक सुरक्षा और सभी के लिए
काम के अवसरों से निपटने हेतु कार्यरत है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रुड़की बच्चों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, सामान्यतः IIT रुड़की अथवा IITR के नाम से भी जाना जाता है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, पहले यह रुड़की विश्वविद्यालय और थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि एक सार्वजनिक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है, ठीक है बच्चों, जो कि सार्वजनिक इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है, 1847 में ब्रिटिश भारत में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन द्वारा स्थापित किया गया था और इसे 1949 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और 2001 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में परिवर्तित कर 7वां IIT घोषित किया गया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को विस्तारित करता है तथा वैज्ञानिक सर्वसम्मति के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सदस्य देशों को प्रतिबद्ध करता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और मानव निर्मित, ठीक है बच्चों, मानव निर्मित उत्सर्जन मुख्य रूप से इसका कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क का शेयर बाजार। वॉल स्ट्रीट एक 1.1 किमी की 8 ब्लॉक लंबी सड़क है जो लगभग उत्तर पूर्व में दक्षिण पूर्व ब्रॉडवे से दक्षिण स्ट्रीट तक पूर्वी नदी पर न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन के बीती जिले में है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव समुद्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, शिवन समुद्र इसका राइट आंसर, जो कि स्थित है कर्नाटक में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा भारत की पहली जल विद्युत परियोजना 1902 में शिवन समुद्र जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में, जिसे क्या बोला जाता है, नीरी भी बोला जाता है, नीरी भी बोला जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं वित्त पोषित एक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 में बच्चों नागपुर में की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्र भारत में जल आपूर्ति, सीवेज निपटान, संचारित रोगों और औद्योगिक प्रदूषण तथा व्यावसायिक रोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और सभी प्रश्न या 24 ही प्रश्न थे तो सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं और बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म हो गया है। तो आपको जो दो टॉपिक और देखने हैं, इसके दो और वीडियो देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखेंगे पार्ट वन पार्ट टू करके मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाते जाते शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आप हमारा इसका PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद जयसिर डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू ऑल।